नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुष्मिता गौड़ और आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। गरीब बेसहायों के हमदर्द, सुख दुख के साथ ही अपने क्षेत्र की जनता से लगाव रखने वाली भावलखेड़ा प्रथम वार्ड संख्या 43 से जिला पंचायत सदस्य पद हेतु शिक्षित और ईमानदार प्रत्याशी मंजू सिंह पत्नी उपेंद्र सिंह उर्फ मोनू पुत्र चंद्रभान सिंह पूर्व प्रधान पैना बुजुर्ग के बारे में अपने सभी दर्शकों को बताना चाहती हूं कि अगर विकास कार्यों की बात करें, पूर्व प्रधान चंद्रभान सिंह का कहना है कि अपनी ग्राम पंचायत पैना में इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य, नाली और आरसी रोड, स्वच्छ जल की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, स्कूल में कायाकल्प, बाउंड्री वॉल और पात्र लाभार्थियों को आवास, शौचालय निर्माण कार्य, अनेक विकास कार्य किए गए। वहीं उपेंद्र सिंह और मोनू पुत्र पूर्व प्रधान चंद्रभान सिंह ने अपने समस्त ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए कहा कि हमारी जनता से अपील है कि होली सभी लोग मिलजुल कर भाईचारे से मनाएं। और मेरे अपील के तौर पर ये भी जनता से कहना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाएं। मैं आपका आभारी रहूंगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को झूठा आश्वासन दिया था, किसानों की आय को दोगुना कर दूंगा, लेकिन किसानों की आय में बढ़ोतरी मुझे नहीं दिखाई पड़ रही, बल्कि किसान और भी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो डीएपी खाद 1200 रुपए प्रति बोरी थी वो अब इस समय 1500 रुपए प्रति बोरी मिल रही है। साथ ही साथ डीजल पेट्रोल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। इस तरह तो किसान बर्बाद हो जाएंगे। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि इस पे डीएपी पर रेट ना बढ़ाए जाए और डीजल पेट्रोल ईंधन पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि किसानों से ही देश है और देश से ही किसान है। किसान सर्वोपरि है। शाहजहांपुर से केपीपीएन न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। उपेंद्र सिंह मोनू पुत्र श्री चंद्रभान सिंह प्रधान ग्राम पंचायत पैना बुजुर्ग अपने समस्त ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों को होली की ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले ग्राम पंचायत चुनाव और जिला पंचायत चुनाव में आपके सहयोग और आशीर्वाद की कामना करता हूं और चुनाव में अपना ढेर सारा आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। मैं आपके इस प्यार और स्नेह का हमेशा कर्जदार रहूंगा और जो इस समय चल रहा है सरकार की नीति वो कल या परसों मुझे पता चला है कि डीएपी पे एक बार में 300 रुपये बढ़ाए गए हैं, जो कि पहले 1200 रुपये की थी, अब तकरीबन सुना है कि वो 1500 रुपये की हो गई है। तो इस तरह से किसानों के साथ ये सब कुछ, इतनी महंगाई हो रही है, डीजल पेट्रोल ये सब इनका दाम आसमान छू रहा है, इस तरह से कैसे किसान की आय जो है वो दोगुनी होगी, इस तरह से तो किसान बर्बाद हो जाएगा। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि कम से कम ये डीएपी के रेट ना बढ़ाए जाएं और डीजल पेट्रोल की तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि किसान से ही देश है और देश से ही किसान है, सर्वोपरि किसान है। अगर किसान ही भूखा मरेगा और किसान ही बर्बाद होगा तो देश की उन्नति कैसे होगी। तो इसलिए मेरा तो ये निवेदन है कि जो खाद पे महंगाई या डीजल पेट्रोल पे महंगाई है, इस पे रोक लगाई जाए और किसान के बारे में सोचा जाए। जय हिंद, जय भारत।